सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों ये है कुवैत का वीज़ा। अब आप लोग देख सकते हो कुवैत का वीज़ा इस तरीके का होता है। मैंने एक लड़के का वीज़ा निकाला था, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए। तो ये होता है कुवैत का वीज़ा। ये देखो, ये वीज़ा है उसका, कुक का वीज़ा है, यानी बावर्ची का, फैमिली बावर्ची चाहिएगा उसको, तो ये उसका वीज़ा निकाला है। और ये मैं कोरियर करने जा रही हूँ। तो लोग कहते हैं कि कुवैत का वीज़ा कैसा होता है, कैसा होता है। देखो ऐसा होता है, ये जो वीज़ा है मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ कि कुवैत का वीज़ा कैसा होता है, इसके क्या क्या ऑप्शन होते हैं, कैसा होता है, सब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये होता है, देखो मैं आपको फ्रेंड बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ। ये है नाम मोहम्मद नफीस मोहम्मद अली, यानी इस बंदे का नाम है। और ये इशू हुआ था 5/5/2024 को, एक्सपायर हो रहा है 4/9/2024 को। और ये यहाँ की मजिस्ट्रेट की वो है मोहर लगा हुई, और यहाँ पर लिख रहा है साफ साफ एंट्री वीज़ा। और ये कुछ इस तरीके से होता है, ये देखो। और इसका बैक साइड मैं आपको दिखाता हूँ, बैक साइड इस तरीके से होता है। और ये स्टाम्प लगा हुआ होता है, मजिस्ट्रेट का स्टाम्प लगा हुआ होता है। और ये फुल ऐसा होता है। अभी दो स्टाम्प यहाँ, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा। जब बंदा आने को होगा ये इंडियन एम्बेसी में, यहाँ पर दो स्टाम्प लगेंगे। स्टाम्प लगने के बाद लेफ्ट साइड जो है फ्रंट साइड, यहाँ पर मेडिकल के ठप्पा लगेगा यहाँ पर बीच पर। और यहाँ पर एक चिट लगेगी, यहाँ पर चिट लगेगी। चिट लगने के बाद वीज़ा जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगा, बंदा आने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसा होता है कुवैत का वीज़ा। देखो लोग कहते हैं कैसा होता है कुवैत का वीज़ा, ऐसा होता। तो देख लिया आप लोगों ने कुवैत का वीज़ा कैसा होता है, ऐसा होता है। लोग कहते हैं कि कुवैत का वीज़ा कैसा होता है, मैंने आपको दिखा दिया है। अगर आप लोग भी कुवैत आना चाहते हो तो मैंने अपना नंबर मेंशन कर दिया है, या तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, तो मैं आपको ईमेल पर ही सब कुछ बता दूंगा कैसा करना है, कैसा वीज़ा मिलेगा। कोई से भी काम का आपको मेरे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, सब काम का वीज़ा मैं आपको दिलवा दूंगा। तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, ताकि लोग जो कुवैत आने वाले हैं पहले देख लें कि कुवैत का वीज़ा कैसा होता है, उसके बाद ही आऊँ मैं। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू गाइस।